ये देखो हम लोग का डॉन, छोटा डॉन। मम्मी लोग ऐसे ही रोएगा। कहाँ रोएगा? इतना खूबसूरत। ये है हम लोग का मेन। अरे वो सब छोरो, सोना मिल गया, सोना एकदम असली वाला सोना। दोस्तों स्वागत है एक और नए ब्लॉग पे। कल मैंने बोली थी ना वो ब्लॉग में एक सरप्राइज है, तो सरप्राइज ये है कि मेरे फैमिली वाले आ रहे हैं, वो लोग तिनचुकिया में पहुंचने वाले हैं। तो लेमो और मनोज तो जो है मनोज का गाड़ी से लेने जाएंगे मम्मी पापा लोगों को, और मैं बहुत ही खुश हूँ, कल से बहुत ही खुश हूँ। तो लेमो के लिए और मनोज के लिए मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। वो लोग जल्दी निकलेंगे यहाँ से, तो ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। और मम्मी पापा लोग तो ऐसे 7:30 बजे तिनचुकिया में पहुँचने वाले हैं। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, आप लोगों को भी पूरा देखने पर। मैंने चावल को बिता दिया है, देखो एक सीटी मार लिया। और यहाँ पे देखिए जंगली बेत की सब्जी, ये देखो कल मम्मी ने खरीद के लेके आई थी। यहाँ पे देखिए ये तेल देके और ड्राई फिश देके मैं यहाँ पे सब्जी पका रही हूँ। और इसमें लास्ट में यहाँ से मैं चावल की ग्रेवी दे दूंगी। ये देखो उठ गया। आज तो कोई कोई आने वाला है, बहुत ही खुश हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद लेने जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे मैं सबके लिए, ये आप लोगों के लिए सब, मनोज और मैं जाएंगे, ब्रेकफास्ट खाएंगे उसके बाद जाएंगे। और बाहर में मम्मी जो है हम लोग का चूल्हे को एकदम चकाचक कर दिया। ये देखो पूरा एकदम सुंदर। संबंधन जी आ रहे हैं ना, पूरा चमका के रख रही है पूरा घर को। अभी देखो जिसमें भी वो मिट्टी गिर गया मम्मी पूरा यहाँ पे वॉश कर रही है। हम लोग का ट्रेडिशनल चूल्हा कितना एकदम बहुत ही चकाचक हो गया। मैंने तो ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है दोस्तों, और मम्मी को देखिए पूरा यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा रही है। और फिर से मुझे नीचे में आंगन की साफ सफाई करनी पड़ेगी, बहुत दिन हो गया हम लोग सफा नहीं कर रहे। तो ये बारिश के टाइम में बहुत ही मुश्किल होती है ना सफा करते टाइम पे, तो आज बारिश रुक गई है, अंधेरा तो है अपने कम, तो सफा करूँगी थोड़ा देर। तो अभी आंगन पे आई हूँ दोस्तों, यहाँ पे साफ सफाई करूँगी, पूरा गंदा हो गया। और यहाँ पे देखिए स्पाइडर की जाली, ये देखो ये बारिश में बहुत ही मुश्किल होती है, पूरा एकदम गीला गीला कचरा पूरा इससे करने से पूरा एक ही जगह में रहता है। तो अभी मनोज पहुंच गया है और लमो जाएगा, दोनों एक ही साथ में जाएगा पापा को लेने के लिए। हाँ पूरा एक्साइटेड। 2 सालों के बाद ना, 2 सालों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। अच्छा से जाओ। हाँ और आते वक्त वो फ्रूट्स वगैरह लेके आओ, आप लेके आऊंगा, टेंशन लेने का नहीं है। हाँ देखो बुज्जी भी पूरा इंतजार करने में लग गया, अभी मैं भी पूरा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे मैंने साफ सफाई कर दिया है, बस अभी इस साइड का करनी है। मैंने आंगन को साफ सफाई भी कर दिया है दोस्तों, और मम्मी बुला रही है मुझे, तो ब्रेकफास्ट निकाल दिया, अभी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे, लेमो और मनोज तो ब्रेकफास्ट करके चला गया वो लोग, और मंजिता और दीदी अभी नहीं करेंगे, बस मैं और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है दोस्तों। अभी मैं जा रही हूँ अपने खेत पे, तो मूली के साग लेके आऊँगी। मम्मी पापा लोगों ने बहुत जर्नी किया होगा, तो उस कारण ये साग और मिर्च की चटनी खाने से थोड़ा आराम मिलेगा उनको, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है। और मम्मी गई है दुकान में वो दाल वगैरह लेके आने के लिए, मम्मी लोगों के लिए वो खाना पकाना होगा। तो का मौसम देखिए, काले काले बादल और यहाँ पे इतने बड़े बड़े सिमल का फूल। और दीदी सुबह सुबह दुकान गई थी, क्या ला रहे पता नहीं, क्या है ड्राई फिश, अलग ही ड्राई फिश है, ये बना खाऊंगी अभी। हाँ यहाँ पे देखिए नंजुमास के साथ, और मंजिता अकेली है घर पे दुकान में। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ खेत पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन लाइन करके देख रहे हो ना, ये है अदरक की लाइन। तो यहाँ पे भैया लोगों ने अदरक का खेत किया है, और यहाँ पे देखिए बीच में ग्रीन ग्रीन करके दिखाई दे रहा है, ये मूली की साग है। तो मैं यहाँ से तोड़ लूँगी एक एक करके, पूरा इसमें है धीरे धीरे करके ऐसे तोड़ तोड़ के लेके जाऊँगी, फिर इसको वॉश करनी पड़ेगी। बारिश के टाइम में बहुत ही मिट्टी घुसती है ना वो साग के ऊपर, तो अच्छे तरीके से वॉश करना पड़ेगा। साग को तोड़ लिया है दोस्तों, और इतनी खतरनाक से बारिश दी पूरा, में पीछे साथ में गीला हो गई, ऐसे झुक के मैंने साग को तोड़ा है, बस मैं छाता लेकर नहीं आई, पूरा भीग गई हूँ। अभी जा रही हूँ, बस इतना काफ़ी होगी। बापरे पूरा सर भी पूरा गीला हो गया मेरा। रास्ता देखो पूरा कीचड़ कीचड़, वहाँ पे है हम लोग का घर, इतना
खतरनाक से बारिश देती है ना यहाँ। मैंने नहा भी लिया है दोस्तों, अभी मम्मी पापा लोगों के लिए लंच की तैयारी करूंगी। तो बाहर बहुत ही बारिश दे रही है, मैंने जैसे तैसे खेत से यहाँ पहुँच के मैंने नहा भी लिया, पूरा मेरा बाल जो है गीला हो गया। और अभी मैं यहाँ ये बेत की सब्जी बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए इतना मोटा मोटा, इसमें ना काटे है काटे है, ये लगने से पॉइजन होती है पॉइजन। अभी मैं इसे छील लेती हूँ, पहले एक तो छील लिया है, ये देखिए जो सफ़ेद करके निकलता है वही खा सकता है। ये जो छिलके है इससे ना मारने से बहुत ही पेन होती है, इसे टस टस। तो यहाँ पे फिर से देखिए दोस्तों, बेत की सब्जी यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से पक रही है। और दीदी आज जाएगी फिर से हॉस्पिटल में, ये जो दागा है तीन बार हुआ है ना आना जाना, आज लास्ट डेट है। क्यों नहीं निकाल देते, मेरे हिसाब से तो ज्वाइन हो गया। हाँ। और मंजिता देखो पूरा नाना जी लोगों को इंतजार कर रही है ना मंजिता, इंतजार में कभी हाँ, इंतजार कर रही है, कभी क्लिप लगा रही है, कभी काजल लगा रही है, बोलते है उसका नाना जी आ रहे हाँ। मुझे सब पता है, नाना जी नानू जी, नाना जी नानू जी हाँ ठीक है। और एक भैया आएगा उसे बाई बुलाओ ना, और सदरक भी आएगा जानता है ना बच्चा वाला। अभी घर पे सिर्फ मैं और मंजिता है, पूरा घर सुना सुना। हाँ अभी मम्मी आ रही है दुकान से, वहाँ पे है मम्मी, ये देखिए। और मंजिता यहाँ पे पता नहीं क्या खेल रही है, मम्मी पूरा ड्राई फिश लेके आ रही है। और दीदी गई है हॉस्पिटल में, बस हम दोनों पूरा एक घंटा ऐसा हो गया ना मंजिता, हम दोनों घर यहाँ पे मम्मी आते ही ड्राई फिश को साफ सफाई करने में लग गई है। और यहाँ पे देखिए एक भैया ने ये मेंढक 3 किलो, अभी इससे मुझे साफ सफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों मम्मी ने साफ सफाई भी कर दिया है मेंढक को, और वहाँ पे बुज्जे पूरा आग सेक रहा है। मैंने यहाँ वो लम्बू जो सब्जी लेके आएगा यहाँ पे पकाने के लिए आग को जला दिया है, और बुज्जे यहाँ पे आग सेक रहा है। अंदर पे मैं चावल को बिता दिया है, तो अभी देख लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है ये। तो हम लोगों ने खाना एकदम रेडी कर दिया है दोस्तों, और मम्मी पापा सब अभी पहुँचने वाले हैं। और मंजिता को देखो लम्बो जो है पूरा हवा मार रहा है, गाड़ी आ गया वहाँ पे है गाड़ी, देखो देखो ये दोनों बहनें पूरा खुश है। ऐ गिरेगा देखो, ऐ ये लड़की ना बातें नहीं सुनती है, देखो 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 गाड़ी कौन चला रहा है मंजिता? मामू, मामू ये कीचड़ मत उड़ना, ये देखो कहाँ गया घूम जाता है, ये देखो हम लोग का डॉन छोटा डॉन। मम्मी लोग ऐसे नहीं रोएगा कहाँ रोएगा, नहीं रोएगा यहाँ पे देखिए ये है पिताजी, पिताजी तो पूरा बुरा हो गया, बुढ़ा हो गया। यहाँ पे मम्मी देखो ना पूरा बिजली का जैसा है ना, पूरा चप्पल पहन के हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। नहीं 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 यहाँ पे देखो पूरा एक्साइटेड, मानवी भी देखो आशीर्वाद ले रही है, मानवी भी ले लो ले लो, पूरा मार्केट लगा दिया। ये देखिए मम्मी ने क्या लाई है, ये हुट्टी, हम लोग यहाँ पे नहीं मिलता है, हम लोग इसे कहते हैं हुट्टी, ये हम लोग का ट्रेडिशनल है हाँ, मिजोरम से, दरअसल ये बांग्लादेश से है ना पिताजी, हाँ बांग्लादेश से है, बहुत ही सुंदर है। इसमें जो पानी रखता है ना बहुत ही ठंडा होता है, 250 इसका प्राइस। गिरेगा बापू गिरेगा गिरेगा। अभी दोस्तों लंच निकाल दिया है, तो यहाँ पे देखिए पूरा फैमिली जो है एक ही साथ में खाना खा रहा है, और सबसे ज्यादा वहाँ पे देखो छोटा डॉन, हम लोग का छोटा डॉन, हाँ मैंने उसको पूरा प्रेसअप भी करा दिया है। बापू हेलो बोलो, हेलो हेलो ऐसा करो पहचान नहीं पा रहा है, नहीं नहीं हूँ ना पहली बार दिख रहा है। यहाँ पे अभी मैं भी खाऊंगी लंच, यहाँ पे देखो ये है हम लोग का दूसरा स्टेट का मेहमान, नया नया फॉर्मूला हाँ, अगर कोई भी अगर मीट देने से ना तो उसको ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए
लंच भी कर लिया है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मिजोरम से क्या क्या गिफ्ट लाए हैं। यहाँ देखो ये मानवी के लिए, मानवी के लिए ये फ्रॉक, और मंजिता के लिए दिखाओ मंजिता, अयो ये देखो बापू, हाँ हाँ लगा के देखो, लगा यहाँ पे देखो पतलू के लिए एक कार्गो पैंट, मस्त है मस्त है मस्त है, पैंट क्या दिखाएगा ये देखो एकदम मस्त ठीक है। यहाँ देखो मानवी भी लगा रही है, लगाओ लगाओ मानवी, और मंजिता का लगा के एकदम मस्त, और मेरा पेन भी लगाया मैंने। हम लोग जाएंगे मानवी के घर मानवी को पहुंचाने के लिए, और मानवी को देखो पूरा नई नई फ्रॉक लगाई है, और यहाँ पे मानवी लोगों के लिए फ्रॉक और इसमें वो फ्रूट वगैरह, और यहाँ पे भाभी के लिए एक नया क्रॉप टॉप। तो अभी जाएंगे, देखो मेरा छोटा डॉन भी जाने के लिए, आ जाओ मानवी आ जाओ, हाँ चलो चप्पल चप्पल पहनो मंजिता, यहाँ पे रहो। देखो सभी लोग पूरा गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों इसमें है फियर्स, और इसमें है पोमेग्रेनेट अंगूर, और यहाँ पे मैंगो, और यहाँ पे देखो मम्मी ने क्या लाई है मेरे लिए, ये देखो ये अलग ही ड्राई फिश है, ये हम लोग कहते हैं दुर्मास, सांगन मास भी कहते हैं, दुर्मास भी कहते हैं इसे। तो इसे जो है सबसे पहले बॉयल करनी पड़ती है, फिर उसके बाद चटनी बना के भी खा सकता है, सब्जी बना के भी खा सकता है। मंजिता कभी खाई हो? नहीं खाई, खाएंगे। और यहाँ पे देखो ये मेरी सेकंड दीदी की बेटा है, बड़ा बेटा, मेरी सेकंड दीदी का सिर्फ दो ही बेटा, ये बड़ा बेटा, और ये मेरी छोटी सिस्टर छोटी बहना, और कहाँ गया हम लोग का छोटा डॉन, इसका बेटा है वो। यहाँ पे देखो ये मेरी मम्मी है, और देखो दो ब्राइटी का ये ड्राइव पीस लेके आई है, ये कहते हैं हम लोग ये अंगूर मास, और इसमें अभी तो दिखा दिया है मैंने, ये सबसे ज़्यादा ये फेवरेट है मेरी, तो मैं शाम को जो है इसका चटनी खाऊंगी। स्पेशल है दोस्तों ये एशिया, ये मिजोरम में मिलता है, ये दरअसल ये बर्मा प्रोडक्ट है। तो देखो लीची जूस है वो मंजिता छोटा बियार बोलती है, अंजुदी उस दिन हम लोग का घर पे आए थे, अंजुदी ने भी लेके आई थी ये वाला। तो अभी जो है ये फ्रूट को हम लोग रखेंगे फ्रिज में। दोस्तों अभी हम लोग अपने आंगन पे आए हैं, तो मैंने जो है ये ट्रेडिशनल ड्रेस लगाई हूँ, ये मम्मी ने लेके आई थी। यहाँ पे देखिए थोड़ा अच्छे से दिखाओ ना लम्बू, थोड़ा अच्छे से दिखाओ ना। अच्छा दिखाता हूँ, ये देखो इतना खूबसूरत, ये है हम लोग का मेन ट्रेडिशनल ड्रेस, इसे कहते हैं सोजोफिनोन, और ये रंगा हादी। और टॉप तो मैंने बस ये जो मैं पहले पहन की थी, एक्चुअली ब्लाउज लगाते हैं मेन ट्रेडिशनल ड्रेस में। अरे वो सब छोड़ो, सोना मिल गया सोना, एकदम असली वाला सोना। और यहाँ पे देखा हल्का बाबू, आजा बाबू सुनो, बाबू सुनो, ये हल्का बाबू सुनो, क्या हुआ क्या हुआ, हाँ क्या हुआ क्या, हेलो हदे हेलो मम्मा, ये लो। और यहाँ पे देखिए दोनों मम्मियों को सेम सेम शकल है दोनों का, शकल बिल्कुल मिलता जुलता है कि नहीं, और दोनों बहनों का भी। पापा तो सो रहे हैं, बस हम लोग पूरा गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं यहाँ पे। और ये दीदी का बेटा हमारा नेपाली, सेकंडी का बेटा है ये, बड़ा बेटा, और छोटा वहाँ पे ही रह गया, नहीं आया वो अभी बहुत। यहाँ पे मम्मी जो है पोर्क को एकदम छोटे छोटे पीस कर रही है, ये देखिए टेस्टी टेस्टी पोर्क, ये ड्रग गेट से लेके आया ना, कितना है किलो, किलो 350, और देखो बुज्जे पूरा इसको इतना दे दिया पेट भर, किलो और खाओ हो गया, ये डिनर के लिए ना, हाँ बम्बू में पकाएंगे। अभी शाम भी हो गई है दोस्तों, और बारिश अभी भी दे रही है, पूरा मेरे ऊपर गिर रही है बारिश, और मम्मी पापा लोग तो बहुत ही थक गए हैं, वो लोग सो रहे हैं, और बच्चे को तो मैंने बिस्तर पे सुला दिया है, वो मेरी छोटी बहन की बेटा है, तो मैं भी बहुत ही थक गई हूँ, इधर उधर बागडोर हो रही है सुबह से लेकर कभी वहाँ कभी यहाँ, बहुत ही थक गई हूँ। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय एंड गुड नाइट सभी को।